सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, और सभी का हमारे एक और वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको फिर से अंदाजा लग चुका होगा कि पिछले 5-6 दिन देखकर कि मेरा लैपटॉप अभी तक नहीं बना, लेकिन आज मेरे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान है, क्योंकि फ्रेंड्स बेसिकली मुझे ऑफिशियली लेनोवो कंपनी की तरफ से एक ईमेल आ चुका है, जिसने उन्होंने बताया कि मेरा जो पार्ट है वो शिप हो चुका है। लेकिन ये खुशी ज़्यादातर रहेगी या नहीं रहेगी? जैसे सेम ईमेल जब मैंने 15 तारीख को किया था तो उसके अगले दिन ही आ गया था, लेकिन जब वो पार्ट मेरे पास रिसीव हुआ था तो वो पार्ट आई थिंक आप सभी को पता ही होगा कि वो पार्ट बिल्कुल डैमेज रहा था, और आप सभी को लगता हो कि मैं थोड़ा सा पागल हूँ, ताकि क्योंकि मेरा अभी कट चुका है लैनोवो कंपनी वाले मेरे 70,000 के लैपटॉप का काट चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली फ्रेंड्स आई थिंक ये टाइम आ चुका है भगवान करने का, कि मैं तो दुख जल गया, लेकिन आई थिंक आप इसका काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जल पाएंगे। हर हर किसी का अलग पी ओ वी होता है, क्योंकि आई थिंक मैंने क्या पता मुझे इतनी पावर कहाँ से आई, लेकिन मैं इतना बड़ा जो है लॉस हैंडल कर चुका। लेकिन फ्रेंड्स आज की डेट में आपको मैं गाइड करूँगा, क्योंकि बेसिकली फ्रेंड्स मैंने जो ये लैपटॉप लिया था वो ऑनलाइन लिया था, तो मैं आप सभी को गाइड करना चाहता हूँ कि क्या आपको ऑनलाइन किसी भी चीज़ को परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स इस वीडियो में आप सभी मैं इसी के बारे में हिंट देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप में से कुछ काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा कि जो मैं मैक्सिमम अपने जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं वो ऑनलाइन परचेज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दूँ तो मैंने एक लैनोवो का जो है लैपटॉप लिया था, जो कि मेरा डैमेज हो चुका है, वो मैंने ऑनलाइन लिया था। एक मैंने LG का मॉनिटर लिया था जो कि 24,000 का आया था, वो भी मैंने ऑनलाइन लिया था। उसी के साथ मैंने एक और चीज़ यानी कि एक स्पीकर लिया था, वो भी मैंने ऑनलाइन लिया था। उसके साथ मैंने एक माइक का कॉम्बो लिया था, वो भी मैंने ऑनलाइन परचेज किया। इसके अलावा मैंने एक मोबाइल लिया था रियलमी का नाम था, वो भी मैंने ऑनलाइन परचेज किया। तो क्या ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो रिस्की है? बेसिकली फ्रेंड्स मेरा मोबाइल जो है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द प्राइस चल रहा है, और मेरा मॉनिटर अराउंड 1.5 साल हो चुका है, मुझे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं दे रहा है आई होप, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है LG। और लैनोवो भी अच्छा ब्रांड था, लेकिन फ्रेंड्स अब मेरा लैनोवो का ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो बात थोड़ी सी अलग है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आपको चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले अगर आप कोई सी भी चीज़ ले रहे हैं तो आप मेक श्योर कर लें कि कोई से भी मार्केट में उसके खिलाफ रूमर्स फैल नहीं रहे। बेसिकली फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रेडिट के ऊपर आजकल जितने भी लोग कोई भी प्रकार का इशू होता है तो उसके ऊपर शेयर करते हैं, तो मैंने जब लैपटॉप परचेज किया था तो मैंने रेडिट के ऊपर ऐसा कुछ शेयर नहीं किया, तो मैंने स्पेसिफिकेशन देख कर ही उसके ऊपर फिर किया था, क्योंकि उसमें मैं 30-56 GB वी रैम वाला 68,000 रुपीज़ का लैपटॉप देख रही थोड़ा, जो मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी, क्योंकि इस प्राइस मंथ के ऊपर इतनी अच्छी डील मिल पाना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, लेकिन आपको थोड़ा सा उसका लुक्स और डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला, क्योंकि उसमें आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा पिघल गया। लेकिन मैंने जब मैंने आज के डेट में चेक किया, जब मेरा लैपटॉप मदरबोर्ड डैड हुआ, तो उन्होंने देखा कि रेडिट के ऊपर लोगों ने पर रखा है कि जो उसके मदरबोर्ड डैड हो रहे हैं। तो ऐसे में आप मेक श्योर करेंगे अगर कोई सा भी डिवाइस है जिसके ऊपर अगर रेडिट के ऊपर अगर कोई बताया गया कि उसमें कोई इशू आ रहा है, तो उसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज करने की कोशिश ना करें। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी को पता है कि 1+ के जो मोबाइल है उसमें आपको मदरबोर्ड डैड का इशू आ रहा है और ग्रीन लाइन का इशू आ रहा है, जो कि बेसिकली फ्रेंड्स आई थिंक अगर आप ऑनलाइन मोबाइल लेंगे तो आपको आफ्टर 3-4 मंथ के बाद आपको एक इशू फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी प्रोडक्ट जो सेल होते हैं, क्योंकि वो सेल होते हैं आई थिंक आउट ऑफ द कंट्री, जैसे कि बैंगलोर से शिप होकर इंडिया आते हैं। अब जैसे कि मैं पंजाब का हूँ, मैं बैंगलोर जाने नहीं वाला उनके पास उसको रिपेयर करवाने के लिए, और उसकी जो लैनोवो की जो प्रोसेसर भी थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को सुना, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट शिप कर दिया। लेकिन जो 1+ के डिवाइसेस है उसका मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट का कॉस्ट उसके मोबाइल से कॉस्ट से भी ज़्यादा पड़ जाता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को 1+ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आई थिंक जैसे लैनोवो लॉक की जो सीरीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो सकती है, क्योंकि अब बिल्कुल इन फ्यूचर मैं तो कभी भी लैनोवो की सीरीज़ की प्रमोशन नहीं करने वाला। हाँ, इन फ्यूचर अगर लैनोवो वाले खुद मुझसे बात करेंगे, जो कि मुझे ख्याल है शायद अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देखते हैं अगर फ्यूचर में अगर कभी मौका मिला तो मैं उनसे खुद बात करूँगा कि आपकी जो इतनी घटिया सर्विस है और आपका जो इतना वर्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन पूरा मैं बिना बात सीधी बात करूँगा, बिना सोचे समझे, कि आप इतना कैसा प्रोडक्ट आपको किस प्रकार से प्रोवाइड कर रहे हैं।
ऑल द अदर हैंड अगर आप वन प्लस कंपनी की बात कर लेते हैं जिसकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी तगड़ी थी और पिछले पास मैं भी एक वन प्लस मोबाइल लेने गया था रिसेंटली वन प्लस का नॉर्ड C4 जो कि मुझे अमेजोन के ऊपर 24,000 का रिव्यू मिला, लेकिन जब मैंने देखा कि इसके ऊपर तो ग्रीन लाइन का इशू आ रहा है और उसके बाद अगर आप इसको अपडेट करते हैं तो इसकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, उसके बाद चालू नहीं होता। और अगर आप इसको मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट करने जाएंगे तो आपको 20,000 लेकर 40,000 रुपीज़ का कॉस्ट स्ट्रक्चर पड़ेगा। इतने प्राइस पॉइंट के ऊपर देखिए काफ़ी अच्छा मोबाइल आता है, इवन तो कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आप एक बढ़िया आईफोन को भी ले सकते हैं अगर आप ओल्ड जनरेशन की तरफ चाहते हैं। तो आई थिंक आप अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं मैं आपसे प्रेफर करूँगा कि अगर आप 5-6 हज़ार के अंडर की कोई चीज़ को शॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपसे बताऊँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग एकदम बेस्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एक्सपेंसिव जो चीज़ परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि आप आईफोन परचेज करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि आपके जो 60 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक ना एक आपका स्टोर ज़रूर होगा, या फिर आपका क्लस्टर जो है वो कुछ दुकान वाले होते हैं वो थोड़े से अगर आप 2-2.5 हज़ार के बाद ज़्यादा देकर भी अगर आपको मोबाइल मिले या प्रोडक्ट ले तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर में उसकी तरफ जा सकते हैं। बेसिकली मेरे पास कंसिस्टेंट का एक मैंने मदरबोर्ड लिया था, क्योंकि मेरा मदरबोर्ड जो टाची का था जो मेरा पीसी के ऊपर था वो एक्चुअली डैमेज हो चुका था, उसके पिन वो ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने जो टाची का बोर्ड की जगह कंसिस्टेंट का न्यू बोर्ड लिया तो मैंने कंपनी में लिया ऑनलाइन, वो जो बोर्ड था वो मुझे 2,000 रुपीज़ का देखने को मिला था, लेकिन जो सेलर थे उन्होंने मुझसे वो 3,000 रुपीज़ का मुझे कहा कि मैं आप खरीद लूँगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है अभी आई हैं तो इतना समय, क्योंकि तब मेरा शॉप का काम था ठीक ठाक चल रहा था, तो मैंने कहा कि जब इतना टाइम इंतजार नहीं कर सकता, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, आज तो मेरे पास PC है लेकिन उसके ऊपर मैं एडिटिंग वर्क नहीं कर सकता, तो अभी डिवाइड वेरियंट वाला है। मैंने पहले तो 8 GB RAM वाला था, लेकिन 8 GB RAM वाला जो मेरा था वो PC, लेकिन अभी 1 GB जो 4 GB XT का वो थोड़ी डैमेज हो चुकी थी, तो मैंने 4 GB को पे काम चला लिया था, उसके ऊपर विंडोज 11 होम चल रही है जो कि काफ़ी स्मूथ चल रही है, क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग फुटिंग पर थोड़ा सा लो वेरिएंट में कर दिया था जिसके साथ वो ऑटो एडजस्ट हो चुकी थी। तो आई थिंक उसके बाद जब आफ्टर 6 मंथ आई थिंक जून से पहले ही उसमें भी थोड़ा सा इशू देखने को मिला था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम ज़्यादा होने की वजह से मेरा मदरबोर्ड फिर से डैमेज हो चुका था। तो मैंने उस कंपनी वाले के पास किया और कार वाले के पास किया, उन्होंने बोला कि इसका मदरबोर्ड जो है वो कंपनी की तरफ भेज देंगे। इन्होंने अपना मदरबोर्ड जो है कंपनी को और भेज दिया, और कंपनी वालों ने एक नया बिल्कुल ब्रांड न्यू मदरबोर्ड मुझे भेज दिया वापस, और उसको उन्होंने इंसर्ट कर दिया और बिल्कुल एकदम वर्किंग कंडीशन में काफ़ी बढ़िया तरीके से मेरे यहाँ पर रन हो रहा है। तो आई थिंक आप मेक श्योर कर लेंगे अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो आप एक शॉप से लें, ट्रस्टेड शॉप से लें। ऑनलाइन शॉपिंग को अगर आप थोड़ा सा बच के रहें आज की डेट में, अगर आपको कोई ऑनलाइन चीज़ लेनी भी है तो आप मेक श्योर रेडिट के ऊपर जाकर चेक कर लें कि उसके ऊपर कोई सा भी इशू या कोई स्कैम तो चल नहीं रहा है। मैंने तो जल दिया क्योंकि आप नहीं जल पाएंगे, सो आई थिंक अगर आपके पास स्टैंड होगा, लेकिन फ्रेंड्स आप मैं बोलूँगा अपने व्यूअर को चाहता हूँ कि लॉस बिल्कुल भी ना हो। सो आई थिंक आपको जो है ऑनलाइन और ऊपर से आप मैं बता दूँ, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं तो कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे कि बैनम स्टैक हो गई या फिर ऐसे ट्रकिंग टैक्स, ऐसे काफ़ी ज़्यादा तगड़े तगड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने लेनोवो लॉक के बारे में बताया कि इसके कुछ ही वेरिएंट में इशू आ रहा है। बेसिकली फ्रेंड्स उन्होंने क्लियरिटी नहीं दी थी, मैंने उनकी वीडियो देखकर लैपटॉप को परचेज किया था, मुझे दिक्कत का सामना था। लेकिन आप सभी को बताता जो कि कोई यूट्यूबर भी मेरी वीडियो देख रहा है, आई थिंक देख नहीं रहा होगा, अगर कोई भी व्यक्ति देख रहा है तो आप मेक श्योर कर लें कि उसके लैपटॉप एकदम अच्छे तरीके से रगड़े, उसको ऑफलाइन ही परचेज करें और ऑनलाइन भी परचेज करें, एकदम टॉप ऑफ द लाइन पावर कम ज़्यादा भी हो जाए तो उसमें भी आप इसको चला कर देखें, ताकि आपको बिल्कुल पता चल जाए कि इसका मदरबोर्ड का डाटा इशू आ रहा है या और किसी प्रकार का इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी आप इसकी वीडियो बनाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।